मैं अपने दुकान पर मूँगफली मंगा कर खा रहा था। मेरा एक फ्रेंड था राहुल वर्मा उसका नाम है, हम लोग बैठ कर खा रहे थे, कोई ग्राहक नहीं था, सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे थे। उसके बाद एसओ साहब आए उधर से, लाइट जलाए, उसके बाद आए गाली गलौज किए, उसके बाद ज़बरदस्ती मुझको दुकान में से घींच कर, और राहुल जो है मेरा फ्रेंड उसको भी घींच कर ज़बरदस्ती ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया। उसके बाद बात किए एसओ साहब, उसके बाद मैं घर जा रहा था तो घर तक चले गए, वहाँ कह रहे घर तेरे घर में घुस कर मारूँगा तुझको, क्या कर लेगा तू, ऐसे ऐसी बात किए गए। उसके बाद ये कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ है तब से दरोगा साहब का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से हमेशा किसी को ना किसी को पीटता करते हैं, और चोट यहाँ पर लगी रात को इधर और इधर दो तीन चार जगह। हमारे गवार यशो साहब अनिल चंद्र तिवारी जी, कोरोना महामारी में जितनी जनता परेशान थी वो उससे कहीं ज़्यादा गढ़वार यशो ने इस जनता को परेशान किए। मैं बता दूं, आए दिन इस क्षेत्र की जनता के साथ हाथापाई करना, उसे प्रताड़ित करना, जिस व्यक्ति के पास सारा पेपर है उसकी गाड़ी को चालान करना, और इनकी यहाँ तक मेरे पास शिकायत है पूरे प्रमाण के साथ कि मोटे मोटे सिकड़ी जो है इनके डिमांड पर उनके पास पहुंचना, इनका यही काम है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एसओ साहब कुछ भी करने के लिए तैयार है, और मैं जिलाधिकारी महोदय चूँकि जिला का मालिक हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि इस सरकार को बदनाम करने की पूरी मंशा हमारे अनिल चंद्र तिवारी जी बना चुके हैं, अगर इनको नहीं हटाया गया तो इस ये तो छोटा प्रदर्शन है, कल जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन के रूप में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।